हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी मैं विवेक बार फिर आप साथ, सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति आज है साथी दिन तेरह जुलाई दो हजार इक्कीस करंट अफेयर साथ में इससे जुड़ी जी के लेकर मैं आप सभी के साथ हूं आप लोग अपनी पेन और कॉपी के साथ इस क्लास में रहना जो जो मैं साथ साथ कराता जाऊं उसे आप लोग नोट करना हम लोग जैसे करंट अफेयर को क्वेश्चन के रूप में डाल देते हैं फिर उस पूरे करंट अफेयर का हम लोग एनालिसिस करते हैं आप लोग क्या कीजिए आप लोग फुल क्वेश्चन मत उतारा कीजिए क्वेश्चन में जो मुख्य या मेन चीज है आप उसे उतारा कीजिए उसे आप लोग नोट किया कीजिए तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी अब में से ऐसे बहुत से भी साथी हैं जिन्होंने हमारा अगर यूपिटर पेले पैट स्पेशल अभी ज्वाइन ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर मतलब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जब से शुरू हुआ और भारत की आजादी तक जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वदेशी का नारा सबसे पहले किसने दिया था तो आप में से बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे और यह क्वेश्चन पेपर में आता है तो पूरी एकदम चीजों को जोड़ते हुए आज मैं खत्म करूंगा तो स्टार्ट करते हैं साथ ही आज के क्वेश्चन नंबर एक पहली न्यूज है क्या है कि अभी फरवरी 2021 से देखें तो जो महाराष्ट्र विधानसभा है जो महाराष्ट्र विधानसभा है वो फरवरी 2021 से बच्चा मेरे वहां पर ना तो कोई अध्यक्ष है और ना ही वहां पर कोई मतलब उपाध्यक्ष तो है लेकिन वहां पर कोई अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष के भरोसे ही विधानसभा चल रही है साथ में देखें तो ऐसे कई राज्य हैं कि जहां पर उपाध्यक्ष आदि नहीं है साथ ही साथ अगर आप अपनी लोकसभा को भी देखें तो लोकसभा में अध्यक्ष तो है सत्रवीं लोकसभा में ओम बिड़ला लेकिन उपाध्यक्ष नहीं है तो वहीं से क्वेश्चन बना है कि महाराष्ट्र विधानसभा फरवरी दो से बिना अध्यक्ष के चल रही है किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों की स्थापना की गई है अनुच्छेद एक सौ अठहत्तर राज्य विधानसभाओं में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद है वो कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है अनुच्छेद एक सौ अठहत्तर के तहत तो आप लोग लाइन क्या बनाओगे कि राज्य विधानसभाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है जो कार्यालय है वो किस अनुच्छेद के तहत है लेना 93 जबकि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है वो अनुच्छेद तिरानवे के तहत है किसके तहत है साथी अनुच्छेद तिरानवे अब आ जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए हमारा जो भारत है हमारे जो इंडिया है साथी वो एक फेडरल कंट्री है कैसा देश है फेडरल कंट्री है जिसे आप संघीय शासन व्यवस्था कह सकते हो संघीय शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है साथी दो लेवल की टू टीयर गवर्नमेंट होती है टू टीयर या स्तर पर गवर्नमेंट होती है दो स्तर सरकार स्तर का मतलब क्या है कि एक स्तर पर केंद्र सरकार और एक स्तर पर क्या होती है साथी स्टेट गवर्नमेंट होती है साथ साथ दोनों गवर्नमेंट में शक्तियों का बंटवारा होता है दोनों गवर्नमेंट में क्या होता है शक्तियों का बंटवारा और एक तीसरी चीज स्वतंत्र न्यायपालिका कि अगर कहीं पर दोनों के बीच में कोई टकराव हो जाए तो साथी इस चीज का विवाद को समाधान करने का कार्य कौन करे स्वतंत्र न्यायपालिका तो ये भारत में संघीय शासन व्यवस्था की कुछ क्वालिटी है जब हमने कहा कि सरकार दो स्तर पर होती है अब सभी जानते सरकार के तीन अंग होते हैं कितने अंग होते आप कहोगे भैया सरकार के तीन अंग होते हैं एक होती है विधायिका विधायिका का अर्थ का है साथी वह अंग जो कानून बनाने का काम करता है लेजिस्लेचर दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव जिसको कार्यपालिका कहते हैं कार्यपालिका कानूनों को लागू कराने का कार्य करती है इंप्लीमेंट लॉज तीसरी होती है साथी जुडिशरी, न्यायपालिका यह कानूनों का सही इंटरप्रिटेशन आप यह कह सकते हैं कि यह कानूनों का सही पालन हो रहा है नहीं हो रहा इस चीज पर नजर रखने का विवाद को विवादों को समाधान करने का कार्य करती है यह जो विधायिका है यह दो स्तर पर होती है लेजिस्लेचर कितने स्तर पर होती है साथी लेजिस्लेचर विधायिका ये दो स्तर पर होती है समझिएगा सबसे पहले केंद्र के स्तर पर किस स्तर पर संघीय स्तर पर जिसे आप सेंटर भी कह सकते या केंद्रीय स्तर पर और दूसरी क्या होती है राज्यों की दूसरी क्या होती है साथ ही राज्य विधानमंडल जिसको तो हम कह सकते हैं राज्य विधायिका कह सकते हैं या स्टेट लेवल पर होती है अब अगर हम लोग संघ की बात करें तो वहां पर हमारी संसद है वहां पर क्या है साथी संसद जिसको पार्लियामेंट कहते हैं जिसको क्या कहते हैं पार्लियामेंट अनुच्छेद 79 से हमारी संसद अर्थात पार्लियामेंट का गठन हुआ है पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर बनती है हमारी जो संसद है वो कितनों से मिलकर बनती है तीन चीजों से मिलकर बनती है एक हो जाते राष्ट्रपति एक क्या हो जाते राष्ट्रपति अनुच्छेद बावन में राष्ट्रपति का पद दिया गया है आपको याद होना चाहिए एक हो जाती है साथ लोकसभा अनुच्छेद इक्यासी में लोकसभा के गठन की बात कही गई है एक हो जाती है राज्यसभा अनुच्छेद अस्सी में राज्यसभा के गठन की बात कही गई है यह हमारे केंद्रीय स्तर की विधायिका होती है संसद जिसे कहा जाता है अनुच्छेद 79 नाइन से राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है राष्ट्रपति अनुच्छेद बावन लोकसभा इक्यासी और राज्यसभा अनुच्छेद अस्सी इसी तरह जो राज्य का विधानमंडल है साथी उसको विधानमंडल कहा जाता है क्या कहा जाता है राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है और जबकि अपनी केंद्र वाले को क्या कहते हैं संसद या पार्लियामेंट कहते हैं यह भी तीन से मिलकर बनती है यह भी किससे मिलकर बनती है साथी तीन से एक राज्य के राज्यपाल राज्य के राज्यपाल अनुच्छेद एक से अनुच्छेद एक राज्यपाल का पद एक हो जाती है साथ विधानसभा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं विधानमंडल अनुच्छेद अनुच्छेद 168, 168 विधानसभा भारत के हर एक राज्य में और कुछ यूनियन टेरिटरी जैसे पुदुचेरी जम्मू कश्मीर और दिल्ली ये तीन ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर विधानसभा है बाकी 28 के 28 राज्यों में भारत में विधानसभा होती है तो विधानसभा इसका जो गठन किया गया है वो अनुच्छेद 170 से किया गया है और विधान परिषद ये भारत के छह राज्यों में है विधान परिषद कितने राज्यों में हैं? मात्र राज्यों में है मात्र छह राज्यों में, में विधान परिषद इसका गठन अनुच्छेद एक से किया गया है किससे किया गया है अनुच्छेद एक सौ उनहत्तर यह बात आपकी समझ में आ रही है कि राज्यपाल का पद अनुच्छेद एक विधानसभा एक विधान परिषद एक राज्य विधानमंडल का गठन एक उतार रहे हो ना मेरे साथ साथ नोट करते रहना फिर देखना कि कितना वृद्ध कितने मजेदार टॉपिक आपका करंट के साथ ही कंप्लीट हो जाता है यहां तक किसी को कोई दिक्कत चलिए अगर अब हम लोग लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो यह क्या होता है यहां से क्वेश्चन आते हैं कि हमने यहां पर सदन लिख लिया क्या लिख लिया सदन हमने यहां पर अधिकतम सीट लिख ली क्या लिख ली अधिकतम सीट उसमें सदन में कितनी न्यूनतम सीट हो सकती है न्यूनतम सीट इधर हमने लिख लिया कि उस सदन का गठन किस अनुच्छेद से होता है और क्या उसके लिए उम्र होनी चाहिए क्या उसका सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार में आपकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी क्लियर हो जाएगी सदन उम्र और किस अनुच्छेद से उस सदन का गठन होता है तो सबसे पहले लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद इक्यासी उम्र 25 वर्ष चाहिए कम से कम न्यूनतम अधिकतम सीट पांच अधिकतम सीट पांच न्यूनतम की बात नहीं है इसमें वर्तमान सीट जो है वर्तमान साथी पांच सौ तैतालीस है लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है पांच हो सकती है सेकेंड आ जाता राज्यसभा राज्यसभा का गठन अस्सी राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए तीस वर्ष कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए इसमें भी साथी 200 ये तो पांच सौ बावन सीट है एक सेकेंड इसकी मुझे एग्जैक्ट सीट मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसको मैं एक बार देख लेता हूं दिमाग से निकल जाती ना बहुत सारी चीजें बिल्कुल सही दो कितनी हो जाती है साथी 252 हो जाती है लेकिन वर्तमान में 250 है वर्तमान में कितनी हो जाती है 233 और 12 250 चलिए यह तो जाते केंद्र लेवल की तीसरा अगर हम लोग विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के लिए भी जो उम्र होती है वो 25 वर्षी होती है विधानसभा के लिए उम्र कितनी हो जाती है 25 वर्ष जब किसका गठन अनुच्छेद अधिकतम सीट याद रखिएगा 500 और न्यूनतम सीट 60 लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे गोवा और मिजोरम गोवा और मिजोरम इसमें साथ ही 40, 40 सीट है 60 से कम नहीं होनी चाहिए कुछ राज्य हैं जैसे पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी में 32 सीट है नॉर्मल केस में क्या होना चाहिए कि इससे कम नहीं होना चाहिए इससे कम नहीं होना चाहिए पुदुचेरी में तीस सिक्किम में बत्तीस तो ये कुल चार राज्य हैं जहां पर सीट कम है सिक्किम में बत्तीस समझे मेरी बात और चौथा आ जाता है छह राज्यों में विधान परिषद इसमें भी वही एज तीस वर्ष वाला क्राइटेरिया इसका जो गठन होता है वो अनुच्छेद एक से इसमें अधिकतम सीट विधानसभा की एक बटा तीन विधानसभा की एक बटा तीन न्यूनतम सीट चालीस कुल छह ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है इसमें हम लोग बात करें तेलंगाना आंध्र बिहार कर्नाटक महाराष्ट्र और यूपी ये छह ऐसे राज्य हैं ये छह ऐसे राज्य हो जाते हैं तो लोकसभा अनुच्छेद इक्यासी उम्र पच्चीस अधिकतम सीट पांच न्यूनतम सीट पांच मतलब न्यूनतम नहीं वर्तमान में कितनी है राज्यसभा राज्य सभा अस्सी अनुदस्सी वर्तमान में ढाई सौ है।, है उम्र पच्चीस वर्ष कम से कम होनी चाहिए इसका सदस्य बनने के लिए पांच सौ अधिकतम सीट लेकिन साठ से कम नहीं होनी चाहिए ये चार ऐसे राज्य या यूटी हैं जहां पर साठ से कम सीट होती है गोवा मिजोरम चालीस पुदुचेरी तीस सिक्किम बत्तीस छह ऐसे राज्य जहां पर विधान परिषद अनुच्छेद एक सौ उनहत्तर विधानसभा का एक बटा तीन से अधिक नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम चालीस लेकिन तेलंगाना में चालीस ही है चालीस से कम किसी में नहीं है पहले जम्मू कश्मीर में जो विधान परिषद हुआ करती थी वहां पर था याद रखिएगा लोकसभा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित तीन अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है अनुच्छेद तिरानवे कौन सा अनुच्छेद तिरानवे अनुच्छेद तिरानवे में इनका इलेक्शन होता है इनका चुनाव होता है क्या होता है चुनाव होता है अनुच्छेद तिरानवे इसमें अनुच्छेद चौरानवे इसमें इस साथ ही इनका त्यागपत्र या हटाया जाना या हटाया जाना ये सारी की सारी बातें हैं कि कब इस्तीफा देगा तो याद रखिएगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा देता है ये आपस में ही एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं त्याग पत्र देते इसे ये इसे और अनुच्छेद पिचानवे अनुच्छेद 95 फाइव अगर अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो कब उपाध्यक्ष कार्य करेगा तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य अन्य शर्तें आदि ये सब इसमें दी गई है असल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने के लिए कोई तय समय सीमा नहीं होती इसलिए यह मर्जी पर डिपेंड करता है लोकसभा की बात करें विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करें विधानसभा के तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो होते हैं इनसे संबंधित अनुच्छेद होता है बच्चा अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद होता है आपका अनुच्छेद एक वही इनका चुनाव विधानसभा चुनाव करती है इसी तरह विधान परिषद का विधान परिषद अनुच्छेद एक इनका यही त्यागपत्र आदि और अनुच्छेद अनुदस्सी जो हो जाता है उसमें साथ ही इनकी शर्तें आदि आ जाती हैं तो यह आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा एक चीज आप अच्छे से जानते कि अध्यक्ष जो होता है जो लोकसभा का स्पीकर या विधानसभा का स्पीकर होता है यही व्यक्ति को मनी बिल है या नहीं है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसको सर्टिफाई करने का अधिकार होता है क्या होता है इसको सर्टिफाई करने का अधिकार होता है और अगर अपने विधानसभा या विधानमंडल में किसी सदस्य की बर्खास्ती या डिस्कालिफिकेशन का मामला उठता है तो उस पर भी निर्णय स्पीकर को ही लेना होता है महत्वपूर्ण ये पोस्ट हो जाती है संवैधानिक पोस्ट जबकि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा के फर्स्ट अध्यक्ष जो थे ये थे जीवी मावलंकर कौन थे साथी जीवी मावलंकर की मृत्यु हो गई थी उसके बाद में अयंगर और अभी सत्रहवीं कौन है अभी सत्रहवीं लोकसभा के हैं ओम बिरला समझे मेरी बात तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी इसको इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लेकर आप लोगों को करा दिया आप लोग इसको बहुत अच्छे से दो से तीन बार अपनी कॉपी में नोट करके देखना यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को कराया गया है चलिए महाराष्ट्र की बात करें राजधानी मुंबई जिले हो जाते छत्तीस मुंबई और नागपुर मुंबई और नागपुर दो हो जाती हैं साथी भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री अजीत पवार द्विसदनीय विधानमंडल है अठहत्तर विधान, विधान परिषद और दो विधानसभा की सीट हो जाती है विधानसभा की कितनी हो जाती है दो लोकसभा की 48 राज्यसभा की 19 लोकसभा की 48 राज्यसभा की 19 सीट याद रखिएगा मुंबई हाई कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट यह महाराष्ट्र का मुख्य कोर्ट है इसकी तीन सर्किट ब्रांच है एक नागपुर एक औरंगाबाद सर्किट ब्रांच जिन्हें कहते हैं और गोवा का जो हाई कोर्ट है वो भी मुंबई हाई कोर्ट लगता है पणजी बेंच गोवा की राजधानी पणजी में बेंच बैठती है लेकिन हाई कोर्ट कौन सा हो जाता है मुंबई हाई कोर्ट हो जाता है अब सभी लोग याद रखिएगा यहां पर कुछ फेमस गुफाएं होती है जैसे कारला की गुफाएं ये महाराष्ट्र के पुणे में पड़ती है कन्हेरी की गुफाएं ये संजय गांधी बोरीवली जो नेशनल पार्क है मुंबई में पड़ती हैं जबकि अजंता एलोरा अजंता और एलोरा ये दोनों साथी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ती हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद और एलिफेंटा केव ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ती हैं एलिफेंटा केव ये भी महाराष्ट्र में पड़ती है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई परेशानी चलिए अगला आ जाता है निर्मला सीतारमण मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हंड्रेड टेन प्रतिशत जी ट्वेंटी वित्त मंत्री और जो केंद्रीय बैंक होता है जैसे भारत का रिजर्व बैंक है ऐसे ही जी ट्वेंटी के अलग अलग सदस्य देशों का कोई ना कोई केंद्रीय बैंक होता है तो जी ट्वेंटी वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों की तीसरी बैठक में शामिल हुई है दो हजार इक्कीस में जी ट्वेंटी की अध्यक्षता किस देश के पास है जी ट्वेंटी का अध्यक्ष कौन सा देश है जी ट्वेंटी का अध्यक्ष कौन सा देश है तुरंत आप सभी लोग बताइए जी ट्वेंटी का अध्यक्ष कौन सा देश है तो याद रखिएगा साथी 2020 में जी ट्वेंटी का दो हजार इक्कीस में इटली है जबकि 2020 में, जब में सऊदी अरब था 2020 में सऊदी अरब था 2021 में इटली है 2022 में इंडोनेशिया 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील तो 2021 में कौन रहेगा 2021 में तो इटली हो जाता है 2022 में इंडोनेशिया 2023 में भारत के पास जी ट्वेंटी की अध्यक्षता होगी और 2024 में कौन होगा ब्राजील कौन अध्यक्ष होगा ब्राजील तो इस समय 2021 में जी ट्वेंटी की अध्यक्षता साथी मेरे जी ट्वेंटी की अध्यक्षता किसके पास है तो अब कहोगे साथी जी ट्वेंटी की अध्यक्षता किसके पास है भाई बिल्कुल सही जी ट्वेंटी की अध्यक्षता किसके पास है अब सिंपल कह दोगे सर जी ट्वेंटी की अध्यक्षता इटली के पास है किसके पास है इटली के पास है इटली समझे मेरी बात चलिए ये जी ट्वेंटी के देश होते इनकी राजधानी आदि अभी हम करने की कोशिश करेंगे हम लोग इसको हम देखें पंद्रवा पिछली बार जी ट्वेंटी लीडर समिट सऊदी अरब के पास अध्यक्षता थी थीम थी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फॉर ऑल सभी के लिए इक्कीसवीं सदी के अवसरों को साकार करना भारत 2023 में जी ट्वेंटी की अध्यक्षता करेगा भारत कब अध्यक्षता करेगा 2023 में अभी हम लोग इटली से पहले जी ट्वेंटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं देखिए भाई जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी हम इसको कैसे बांट लेते हैं मैंने इसको ऐसे बांटा है कि जी ट्वेंटी के जितने भी सदस्य देश हैं, उसमें से एशिया में कौन कौन है उसमें से अफ्रीका का कौन सा देश है महाद्वीप वाइज बांट देता हूं यूरोप के कौन कौन से देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कौन कौन देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन कौन देश है और आप एक और बना लेना कहीं पर देखकर ऑस्ट्रेलिया और लिख लेना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सा देश है ओशेनिया जिसको कहते हैं मैंने इसको महाद्वीप वाइज देखने की कोशिश की है कि जी के जो सदस्य देश हैं उन्हें महाद्वीप वाइज स्थापना जो हुई थी इसकी वो स्थापना जी सेवन के सदस्य देशों ने की है 26 सितंबर उन्नीस में बर्लिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन कहां पर हुई है जर्मनी की राजधानी बर्लिन यह किस नदी के किनारे है? ये नदी के किनारे है ये किस नदी के किनारे बाबू मेरे नदी के किनारे है जर्मनी की राजधानी बर्लिन 26 सितंबर जबकि इसका प्रथम समिट जो हुआ था लीडर्स का पहला समिट वो 2008 वाशिंगटन डीसी में हुआ था डब्ल्यू डीसी का मतलब है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी देखिए एशिया की बात करें तो जापान दक्षिण कोरिया इनकी राजधानी भी आपको लिखनी है जापान की टोकियो दक्षिण कोरिया की सियोल मैं इनकी राजधानी नहीं लिख रहा हूं आपको लिखनी है अपने में जापान दक्षिण कोरिया इंडोनेशिया की जकार्ता इंडोनेशिया की क्या होती है जकार्ता भारत सऊदी अरब भारत सऊदी अरब सऊदी अरब की हो जाती है रियाद सऊदी अरब की क्या हो जाती है रियाद जापान दक्षिण कोरिया इंडोनेशिया भारत सऊदी अरब चीन भी लिख लेना चीन बिल्कुल सही लिख लीजिए चित्र देश आप सभी को लिखवाए जा रहे हैं इनको आप सभी लोग नोट कर लीजिए यह सबसे पहले हम किन देशों की बात करें सबसे पहले हम लोग अपने एशियन देशों की बात कर रहे हैं चीन जापान दक्षिण कोरिया इंडोनेशिया भारत सऊदी अरब ऑस्ट्रेलिया भी इसका एक सदस्य देश है ऑस्ट्रेलिया भी इसका एक सदस्य देश है लेकिन न्यूजीलैंड नहीं है इस बात पर गौर कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया है लेकिन न्यूजीलैंड नहीं है अफ्रीका महाद्वीप से केवल दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप से कौन इसका देश है केवल दक्षिण अफ्रीका यूरोप से एक तो साथी यूरोपियन यूनियन पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन जो 27 देशों का समूह है यूरोपियन यूनियन में कितने देश आते हैं यूरोपियन यूनियन एक पूरा का पूरा समूह इसके अंतर्गत है इसके अलावा जर्मनी फ्रांस इटली अलग से जर्मनी फ्रांस इटली यूके जर्मनी फ्रांस इटली यूके जर्मनी फ्रांस इटली यूके भाई देखिए यूरोपियन यूनियन तो है इसके अलावा जर्मनी फ्रांस इटली यूके ये एक्स्ट्रा हो जाते हैं और साथ में रूस और तुर्की भी लिख लीजिए रूस और तुर्की ये इसके यूरोपियन हो जाते हैं उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका और कनाडा अमेरिका और कनाडा और दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो दो देश हो जाते हैं अर्जेंटीना अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स जिसकी राजधानी है और एक हो जाती है साथी आपकी क्या नाम है ब्राजील क्या हो जाती है ब्राजील ब्राजील चलिए अब देखो कितने देश हो गए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह एक इसमें रह गया कहीं ना कहीं कोई सा देश कोई रह गया क्या आपके अनुसार बिल्कुल सही यहां से एक और देश आएगा मैक्सिको यहां से एक और देश आएगा मैक्सिको अमेरिका कनाडा मैक्सिको उसके बाद में सारे के सारे कवर हो जाते यूके हो गया तुर्की हो गया दक्षिण अफ्रीका सऊदी अरब जापान इटली इटली हो गया इंडोनेशिया फ्रांस चाइना कनाडा ब्राजील ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना समझ रहे मेरी बात बच्चा तो 19 तो इसमें देश हो जाते हैं दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस उन्नीस देश और एक यूरोपियन यूनियन इसलिए इसको क्या कहते हैं जी ट्वेंटी कहते हैं क्या कहते हैं जी ट्वेंटी कहते हैं इनकी राजधानी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स ब्राजील की ब्रेसिलिया मेक्सिको की मेक्सिको सिटी कनाडा की ओटावा अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स जर्मनी बर्लिन फ्रांस पेरिस इटली रोम यूके लंदन रूस मॉस्को तुर्की अंकारा दक्षिण अफ्रीका की तीन राजधानी हो जाती है प्रिटोरिया केपटाउन और ब्लोम फोन ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा चीन बीजिंग जापान टोक्यो दक्षिण कोरिया सियोल इंडोनेशिया जकार्ता भारत दिल्ली और सऊदी अरब की रियाद सऊदी अरब की रियाद तो से इनकी अब क्वेश्चन क्या आया था पिछली बार पीसीएस में पूछा था चार देश दे रखे थे पूछा था कौन सा सदस्य नहीं है ना तो सिंगापुर ना हांगकॉन्ग ना ताइवान ना न्यूजीलैंड अगर बड़े बड़े देशों में देखेंगे इन में कोई भी सदस्य नहीं है समझ रहे हैं मेरी बात बड़े बड़े देशों में होंगकोंग ताइवान जो ये डेवलप्ड कंट्री है विकास विकसित देश है इनमें न्यूजीलैंड आदि जी ट्वेंटी का हिस्सा नहीं है इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा चलिए बच्चा इटली की बात करें तो रोम टाइबर नदी के किनारे इसकी राजधानी राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला प्रधानमंत्री मारियो द्रागी प्रधानमंत्री मारियो द्रागी अभी मैं आपको बताऊं कि पिछले साल सितंबर 2020 की बातें हैं। इटली के उस समय दूसरे प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो भारत और इटली के बीच में एक शिखर सम्मेलन हुआ था कैसा सम्मेलन शिखर सम्मेलन शिखर सम्मेलन तो इस शिखर सम्मेलन में बच्चा मेरे पंद्रह एमओयू साइन किए गए थे भारत और इटली के बीच में कितने एमओयू साइन इस बार की जो है गवर्नर्स और वित्त मंत्रियों की बैठक है यह वेनिस नाम के शहर में हुई है इटली के वेनिस नाम के शहर में चलिए, एक बात याद चलिएगा सी से लगा हुआ है एड्राइटिक सागर से एड्राइटिक सागर एक तरफ दूसरी तरफ लिगुरियन सागर आयोनियन सागर और तीसरी तरफ मेडिटेरियन सी यह हो जाता है आपका इटली समझ रहे मेरी बात ये हो जाते इटली की राजधानी और रोम टाइबर नदी के किनारे ये मिलान शहर अभी आपको याद होना चाहिए कि यूरो यूरो 2021 हालांकि ये 2020 ही है जो 2021 में आयोजित हुआ इटली ने जीता किसने जीता इटली जीती है इंग्लैंड को हराकर किसको हराकर इंग्लैंड को हराकर हरा पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड जीती है इटली जीती है इंग्लैंड को हराकर इटली जीती किसको हराकर इंग्लैंड को हराकर यह चीज भी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा यह चीज भी साथी ये सितंबर में 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 ना होके नवंबर नवंबर हुआ था ये. नवंबर 2020 में. तो पिछले में आपको छह सात आठ महीने के कवर करके चलता हूं कि हमारे और इटली के बीच में क्या क्या हुआ है जबकि फिर इसके प्रधानमंत्री चेंज हो गए अब इसके प्रधानमंत्री कौन है मारियो द्रागी कौन है मारियो समझे मेरी बात चले बच्चा अभी भारत और इटली संयुक्त आयोग की बैठक भी हुई है आर्थिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग का मतलब है भारत और इटली के के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसमें भारत की ओर से व्यापार और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए जबकि इटली के विदेश मामले और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री लुइगी डी मायो इक्कीसवीं बैठक भारत और इटली ज्वाइंट कमीशन की नोट करते चलिएगा भारत और इटली ज्वाइंट कमीशन की चलिए बच्चा इक्कीसवीं पर हस्ताक्षर भी हुए हैं समझौता ज्ञापन पर तो नाफेड की फॉर्म लिख लीजिए अलग से यह संगठन आप कभी नहीं करोगे करंट अफेयर की क्लास में एक साथ मिलकर आप यह कर सकते हो नेशनल एग्रीकल्चरल एने का मतलब नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड उन्नीस सौ अट्ठावन दो अक्टूबर उन्नीस सौ अट्ठावन में इसकी स्थापना मुख्यालय नई दिल्ली और बिजेंद्र सिंह इसके अध्यक्ष जबकि ऐसा ही इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को तीन नवंबर उन्नीस सौ सड़सठ ये भी नई दिल्ली इफको उन्नीस सौ सड़सठ जबकि नाफेड उन्नीस सौ अट्ठावन दो अक्टूबर उन्नीस सौ अट्ठावन नई दिल्ली अध्यक्ष विजेंद्र सिंह हो जाते हैं अध्यक्ष क्या हो जाते हैं नाफेड के विजेंद्र सिंह जबकि एपीडा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत के जो कृषि एग्रीकल्चर या अन्य चीजों से जुड़ा सामान है उसको विदेश निर्यात करती है एक्सपोर्ट करती है गठन उन्नीस सौ छियासी हेडक्वार्टर नई दिल्ली डायरेक्टर तरुण बजाज और चेयरमैन एम अंगामूथरमैन चेयरमैन एम अंगामुथु यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है किसके अंतर्गत आती है साथी संस्था वाणिज्य मंत्रालय कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है किसके अंतर्गत कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत जिसके मंत्री पीयूष गोयल है तो नाफेड और अपीडा के बीच में एमओयू भी हुआ आगे आ जाते हैं साथी किस राज्य सरकार द्वारा रायतो भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित की गई रायतो भरोसा चैतन्य यात्रा भाई देखिए मेरी बात सुनिए आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में वर्तमान में जिस पार्टी की सरकार है उसका नाम है वाई एस आर वाई का मतलब युवजन एस का मतलब श्रमिक और रायतो का जो नाम है रायतो को तेलुगु में किसान कहते हैं क्या कहते हैं किसान तेलुगु में क्या कहते हैं किसान तो रायतो भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित की गई है समझ रहे मेरी बात किस राज्य में आंध्र प्रदेश में किस राज्य में साथी आंध्र प्रदेश में चैतन्य यात्रा आयोजित की गई है आंध्र प्रदेश में चैतन्य यात्रा आयोजित की गई है यह चीज समझ में आ रही है आपकी चैतन्य यात्रा आयोजित की गई है चलिए नौ से तेईस जुलाई दो तक इसका उद्देश्य कृषि से जुड़े जो सरकार की योजना आदि है और अन्य स्कीम्स के बारे में लोगों तक सूचना पहुंचाना इस रायतू भरोसा चेतन यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि आंध्र प्रदेश फार्मर्स के बीच में कृषि से जुड़ी मामलों में क्या हो सके अवेयरनेस हो सके या आप ये कह सकते जागरूकता हो सके अवेयरनेस हो सके या जागरूकता हो सके आंध्र प्रदेश की बात करते हैं किसकी बात करते हैं आंध्र प्रदेश देखिए बच्चा आंध्र प्रदेश जो है यह भाषा के आधार पर भाषा के, के, के आधार पर बनने वाला प्रथम भाषा के आधार पर बनने वाला भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य एक अक्टूबर उन्नीस को इसकी घोषणा की गई थी और एक नवंबर 1956 को यह साथी अस्तित्व में आया था तमिल क्षेत्रों से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आंध्र प्रदेश इसमें वर्तमान में तीन राजधानी है यहां पर वर्तमान में कितनी राजधानी है तीन राजधानी विशाखापट्टनम कार्यपालिका जहां पर राज्यपाल अमरावती विधायिका जहां पर इनका विधानमंडल है द्विसदनीय विधानमंडल विधान, विधान परिषद भी है विधानसभा भी है विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल इनको कलिंग रत्न अवार्ड मिल चुका है कौन सा अवार्ड 2021 का कलिंग रत्न अवार्ड इनको मिल चुका है विश्वभूषण हरिचंदन जी को जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने इनको दिया मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी विधानसभा की 175 सीट विधान परिषद की अट्ठावन सीट 25 लोकसभा 11 राज्यसभा की सीट 25 लोकसभा और 11 राज्यसभा की सीट याद रखिएगा विशाखापटनम नदी तो नहीं है अमरावती गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे और कुरनूल ये तुंग भद्रा नदी के किनारे तुंग भद्रा नदी के किनारे वाई एस जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बिसभूषण हरिचंदन ये हो जाते हैं यहां पे कलिंग रत्न अवार्ड राज्यपाल पच्चीस विधानसभा की सीट पच्चीस लोकसभा की सीट ग्यारह राज्यसभा एक प्लस अट्ठावन एक विधानसभा और अट्ठावन क्या हो जाती है राज्यसभा की सीट हो जाती है अट्ठावन क्या हो जाती है साथी राज्यसभा की सीट हो जाती है बाकी और लिखिए आंध्र प्रदेश के चिन्ह लिखिए अपनी कॉपी में लिखिए आंध्र प्रदेश के सिंबल्स आंध्र प्रदेश के राजकीय चिन्ह आंध्र प्रदेश के राजकीय चिन्ह नंबर एक पशु बताइए क्या होता है पंजाब हरियाणा और आंध्र प्रदेश इनका एक ही पशु है बताइए साथी दूसरा हो जाता है पक्षी बताइए तीसरा यहां का फूल बताइए चौथा यहां का फल बताइए पांचवा यहां का वृक्ष बताइए राजकीय वृक्ष छठा यहां का खेल बताइए छठा क्या बताइए खेल पशु पक्षी फूल फल पशु पक्षी फूल फल बिल्कुल सही वृक्ष और खेल वृक्ष और खेल तो देखिए पशु हो जाता है ब्लैक वक जिसको काला हिरण भी कहते हैं हरियाणा पंजाब और आंध्र प्रदेश इनका एक ही है पक्षी की बात करेंगे तो पक्षी हो जाता है तोता पक्षी क्या हो जाता है तोता पैरट चमेली जिसको जैसमीन का फूल बोलते हैं चमेली जिसे जैस्मीन कहते हैं जे इनका फूल हो जाता है फल हो जाता है मैंगो आम वृक्ष हो जाता है नीम का वृक्ष और खेल हो जाता है कबड्डी तो आंध्र प्रदेश का कौन सा खेल है वही खेल कबड्डी है जो बांग्लादेश का है वही खेल जो बांग्लादेश का है यही अपने आंध्र प्रदेश का है तमिलनाडु का भी कबड्डी हो जाता है तमिलनाडु का भी क्या हो जाता है साथी कबड्डी हो जाता है चलिए यहां के नेशनल पार्क की बात करें लिखिए सभी लोग आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क तो पापी कोंडा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस पापी कोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क में क्या चाहता है बिल्कुल सही पापी कोंडा नेशनल पार्क वेंकेटेश्वर वेंकेटेश्वर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क पापीकोंडा नेशनल पार्क वेंकटेश्वर श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क यहां की एक घाटी है जिसको अराकू घाटी कहते हैं बहुत ही फेमस है अराकू वैली और साथ ही यहां पर बोर्रा इसको याद रखिएगा बोर्रा और बेलम ये दो जगह हैं, बोर्रा और बेलम यहां की गुफाएं बहुत फेमस है बोरा और बेलम की गुफाएं बोरा और बेलम की क्या हो जाती है तो आप कहोगे सर गुफाएं बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है बोरा और बेलम की गुफाएं नेशनल पार्क पापीकोंडा वेंकटेश्वर राजीव गांधी बोरा बेलम की गुफाएं अराकू वैली विशाखापट्टनम के पास बहुत ही फेमस इसको आंध्र की ऊंटी कहा जाता है क्या कहा जाता है आंध्र प्रदेश की ऊंटी खेल कबड्डी पशु ब्लैकबक पक्षी तोता फूल चमेली फल आम और वृक्ष क्या हो जाता है नीम हो जाता है आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य तो लिखिए या दी लंबादी धिमसा आंध्र नाट्यम, आंध्र नाट्यम, विलासनी नाट्यम आंध्र नाट्यम, विलासनी नाट्यम आँ। विलासनी नाट्यम कोलाटम कोलाटम धिमसा लामदी आंध्रनाट्यम विलासरी नाट्यम बुर्रा कथा वीरनाट्यम बुर्रा कथा वीरनाट्यम कोलाटम हो गया वीरनाट्यम बोटा बोमालू बोटा बोमालू बोटा बोमालू कोलाटम बुर्रा कथा वीर नाट्यम बोटा बोमालू बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही और थोलू बोमलता थोलू बोमलता लता ये लिख लीजिए लता यह अपने आंध्र प्रदेश के लोकनाट्यम हो जाते हैं लंबादी हिंसा नाट्यम विलासिनी नाट्यम कोलाटम बुर्रा कथा वीर नाट्यम बोटा बोमालू थोलू बो मिला था। उगादी यहां का साथी नव वर्ष हो जाता है उगादी क्या हो जाता है बच्चा यह यहां का वर्ष हो जाता है ये न्यू ईयर उगादी सब लोग अपनी अपनी कॉपी में एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है तुम्हें तुम्हें बस भरोसा करना है इस कंटेंट पर तुम्हें मैं दिखाऊंगा इस बार के पेपर में कि फुल में से फुल असल में लाया कैसे जाता है और कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें से पूरा पेपर आता है उत्सव उगादी नववर्ष लंबादी धीमसा आंध्र नाट्यम विलासरी नाट्यम कोलाटम बुर्रा कथा वीर नाट्यम बोटा बोमालू और थोलू बोमलता लिख रहे हो ना आप सभी लोग और सभी लोग एक बार मिलकर शेयर जरूर कर देना तुम लोगों के लिए बारह घंटे सोलह घंटे चौबीस घंटे हमेशा खड़े हैं तुम लोग एक बार शेयर जरूर कर देना बच्चा बिल्कुल सही शाबाश अगला आ जाता है हाल ही में पश्चिम बंगाल से जी आई टैग प्रमाणित फाजिल आम जिसको फजली मैंगो कहते हैं यह किस देश को निर्यात किया गया है किस देश को यह एक्सपोर्ट किया गया है तो याद रखिएगा मध्य पूर्व देश मिडिल ईस्ट कंट्री बहरीन को फजली आम जो है पश्चिम बंगाल का उसे निर्यात किया गया है उसे क्या किया गया साथी निर्यात किया गया है समझ रहे मेरी बात बिल्कुल सही बिल्कुल सही फजली मैंगो ये तीन होते हैं एक छीरपति एक हिमसागर एक फजली मालदा आम जिसे कहते हैं वेस्ट बंगाल की जीआई टैग प्रमाणित वैरायटी है जिस तरह साथी जर्दालू आम ये कहां की है बिहार की है जर्दालू आम ये कहां की वैरायटी है बिहार की इसी तरह फजली मैंगो यह किस देश की वैरायटी किस राज्य की वैरायटी है पश्चिम बंगाल इसको भेजा कहां पर गया है बहरीन भेजा गया है कहां पर भेजा गया है बहरीन असल में यहां पर इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम है बिहार में एक ऐसा सोचो कि मैंगो भारत का जो आम है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक मेला टाइप लगाया गया है तो पश्चिम बंगाल के क्षीरपति और लक्ष्मण भोग क्षीरपति और लक्ष्मण भोग क्षीरपति पति, लक्ष्मण भोग लक्ष्मण भोग फाजिल या फजली आम ये तीनों वैरायटी कहां की है पश्चिम बंगाल की इनका प्रदर्शन किया जाएगा और बिहार से साथी ही आम का प्रदर्शन किया जाएगा कहां पर ये पश्चिम बंगाल के आम है क्षीरपति लक्ष्मण भोग फजली बहरीन में बहरीन की बात करें राजधानी मनामा मुद्रा क्या हो जाते दिनार सलमान बिन हमाद अल खलीफा यह प्रधानमंत्री पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में भारतीय राजदूत है बिल्कुल सही बहरीन में भारतीय राजदूत कौन हो जाते हैं पीयूष श्रीवास्तव हो जाते हैं बहरीन में भारतीय राजदूत कौन हो जाते हैं साथी तो बहरीन में भारतीय राजदूत पीयूष श्रीवास्तव हो जाते हैं देखो ये साथी मिडिल ईस्ट है आपके सामने क्या है मिडिल ईस्ट इसको मध्य पूर्व कहते हैं क्या कहते हैं मध्य पूर्व ये दिख रहा है आपको पूरा का पूरा अब मैं इसके बारे में कुछ बता रहा हूं लिखते चलिएगा मैं उसमें आपको ऐसे बता रहा हूं ऐसे देश जिनकी मुद्रा रियाल है ऐसे देश जिनकी मुद्रा क्या है रियाल इसी से तो लिखिएगा रियाल मुद्रा वाले सऊदी अरब सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाती है रियाद लेकिन मुद्रा क्या है रियाल इसी तरह आपका आ जाता है कतर राजधानी दोहा मुद्रा रियाल तीसरा जाता है ओमान मस्कट लेकिन मुद्रा रियाल यमन राजधानी हो जाती है सना राजधानी क्या हो जाती है सना लेकिन मुद्रा क्या है रियाल मुद्रा क्या हो जाती है रियाल तो याद रखिएगा कतर ओमान यमन सऊदी अरब इनकी मुद्रा क्या हो जाती है रियाल जबकि यूएई की राजधानी अबूधाबी लेकिन मुद्रा हो जाती है द्रहम वो जिनकी अलग है उनकी बता रहा हूं और कुवैत बहरीन इराक कुवैत बहरीन और इराक इनकी मुद्रा हो जाती है दिनार इनकी मुद्रा क्या होती है दिनार कुवैत बहरीन और इराक इनकी मुद्रा हो जाती है दिनार यहां पर एक आइलैंड कंट्री है बहरीन जिसकी राजधानी है मनामा यह लाल सागर है ये क्या साथी लाल सागर ये हिंद महासागर अदन की खाड़ी इसको क्या बोलते हैं अदन की खाड़ी हिंद महासागर का हिस्सा है किसका हिस्सा है इंडियन ओशन हिंद महासागर का हिस्सा है एक बात याद रखिएगा यहां पर एक जल संधि है जिसे बाब अल मंडप की जल संधि कहते हैं क्या कहते हैं बाब अल मंडप की जल संधि समझे मेरी बात यहां पर यह फारस की खाड़ी है फारस की खाड़ी तेल के लिए बहुत फेमस है फारस की खाड़ी यहाँ पर साथी ये जो आती है ये आ जाती है ओमान की खाड़ी किसके आ जाती है ओमान की खाड़ी ये भी अरब सागर हिंद महासागर का हिस्सा है यहां पर ये जो जल संधि होती है इसको कहा जाता है साथी हरमूज की जल संधि हरमूज की जल संधि ओमान और ईरान के बीच में पड़ती है अगर जमीन से देखें और पानी को देखें तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से यह यमन और जिबूती के बीच में पड़ती है वैसे देखोगे तो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है यह जो छोटा सा आपको दिख रहा हिस्सा इसको अकाबा की खाड़ी कहते हैं यह से लगती है अकाबा की खाड़ी एक तरफ होता है सऊदी अरब एक तरफ होता है जॉर्डन ऊपर की तरफ जाओगे तो आपका आ जाता है इसराइल यह स्वेज की खाड़ी है यहां से स्वेज नहर निकली हुई है इन सबकी राजधानी तो पता होगी यूएई ए की अबूधाबी कुवैत की कुवैत सिटी बहरीन की मनामा इराक की बगदाद ओमान की मस्कट यमन की सना सऊदी की रियाद सऊदी की रियाद कतर की दोहा ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को आनी चाहिए आप लोगों को पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल की बात करें राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे जगदीप धनखड़ राज्यपाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा की दो सौ चौरानवे लोकसभा की बयालीस राज्यसभा की सोलह सीट लोकसभा की बयालीस राज्यसभा की सोलह सीट कोलकाता हुगली नदी के किनारे इनकी राजधानी है याद रखिएगा जो कोलकाता हाई कोर्ट है यहां का जो हाई कोर्ट है कोलकाता अंडमान निकोबार पर भी हाई कोर्ट कोलकाता ही है अंडमान निकोबार पर जो हाई कोर्ट है वो साथी कोलकाता हाई कोर्ट ही है जिसको कोलकाता कोर्ट कहते क्या कहते कोलकाता कोर्ट समझे मेरी बात चलिए इसके लोक नृत्य वगैरह अक्सर पश्चिम बंगाल न्यूज में रहता है तीन चार दिन पहले भी हमने किए थे बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन भारत के पड़ोसी देश पर हाल ही में किस पड़ोसी देश ने छह मेगावाट लोअर अरुण निचली अरुण हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया है जिस तरह खोलंग और इस आ, चूखा खोलंग साल यह परियोजना भूटान के साथ है तो भारत नेपाल के साथ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है किस पर काम कर रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब पानी पर बांध बनाकर पानी पर बांध बनाकर उसका बिजली बनाने के प्रोजेक्ट पर भारत काम कर रहा है नदी का नाम क्या लोअर अरुण और किसके साथ नेपाल के साथ मिलकर किसके साथ नेपाल के साथ मिलकर तो याद रखिएगा भारत छह मेगावाट अरुण हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया है किसके साथ भारत के साथ वन पॉइंट तीन बिलियन डॉलर लगभग आपके आठ से नौ हजार करोड़ रुपए की डील है भारत की तरफ से सतलुज जल विद्युत निगम और नेपाल की तरफ से इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल ने हस्ताक्षर किए हैं यह साथ ही बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर यह बूट मॉडल पर होगा कि सतलुज विद्युत निगम इसको बनाएगी ऑपरेट करेगी उससे अपना पैसा निकालेगी और फिर नेपाल को ट्रांसफर कर देगी उसके अधिकार तो 1.3 बिलियन डॉलर की प्रोजेक्ट है नदी का नाम लोअर अरुण नदी का नाम लोअर अरुण यह नेपाल के पूर्वी हिस्से में बहती है जो लोअर अरुण नदी है यह नेपाल के पूर्वी हिस्से में बहती है कौन से हिस्से में पूर्वी नेपाल को अगर तुम इस तरीके से देखोगे तो भारत से लगभग सत्रह किलोमीटर की सीमा लगती है भारत के पांच राज्य यूपी बिहार उत्तराखंड सिक्किम सिक्किम के बॉर्डर और नेपाल के बॉर्डर पर तो कंचन जंगा भी है है पांचवा हो जाता पश्चिम बंगाल पांचवा क्या हो जाता है पश्चिम बंगाल ये पांच राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं तो नेपाल की इधर की जो बाउंड्री है जो यूके लिंपिया उत्तराखंड इधर लगती है इसे साथ ही ये शारदा भी कह सकते हो काली या महाकाली नदी कह सकते हो काली या महाकाली नदी इस तरफ की बाउंड्री काली या महाकाली नदी जिसको कहा जा सकता है महाकाली नदी किधर हो जाता है अरुण ये अरुण नदी है ये पूर्वी हिस्से में है। ये पश्चिमी हिस्सा नेपाल का ये पूर्वी और यहां पे मेची नदी होती है कौन सी नदी रहे मेरी बात तो इसी पर तीन सौ

करते हैं अब बात करते हैं नेपाल की तो राजधानी क्या हो जाती है काठमांडू नेपाल के राजधानी काठमांडू यहीं पर सार्क का हेडक्वार्टर भी है कल भी हमने क्वेश्चन किया था सार्क नाम का जो आठ देशों का सदस्य है आठ देशों का संगठन है जो कि उन्नीस में बना था उसका हेडक्वार्टर यहीं पर है मुद्रा नेपाली रुपया विद्या देवी भंडारी के शर्मा ओली याद रखिएगा साथी तेरह जुलाई मतलब यहां के सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग के आदेश को खारिज कर दिया जो वहां की राष्ट्रपति ने संसद भंग का आदेश दिया था संसद भंग के आदेश को खारिज कर दिया खारिज कर दिया है कल एक फैसला आया है जिसमें नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग के आदेश को खारिज कर दिया और शेर बहादुर दोबा शेर बहादुर दोबा दो करके एक व्यक्ति हैं उनको दो दिन के अंदर दो दिन के अंदर प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहा है दो दिन के अंदर पीएम बनाने के लिए कहा है इसको नोट कर लेना इन्होंने राष्ट्रपति का जो आदेश था विद्या देवी भंडारी का जिसके तहत राष्ट्रपति ने वहां का जो प्रतिनिधि सभा होती है दो लोगों की संसद का निचला सदन जैसे भारत की लोकसभा तो केपी शर्मा प्रधानमंत्री की सलाह पर उसको भंग कर दिया इससे पहले दिसंबर में भी भंग कर चुकी थी तब सुप्रीम कोर्ट ने तब भी असंवैधानिक बताया इन्होंने फिर ऐसा किया तो उन्होंने बहुत लताड़ लगाई है और संसद भंग के आदेश को खारिज कर दिया और कहा कि दो दिन के अंदर शेर बहादुर दोबा को प्रधानमंत्री चुनिए या तो कल बारह जुलाई या आज तेरह ये प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो केपी शर्मा ओली अब ही जैसे ये शेर बहादुर दो शपथ ले लेते हैं हम फिर से नया क्वेश्चन डालेंगे फिर करेंगे और भारतीय राजदूत कौन है नेपाल में विनय मोहन क्वात्रा कौन है बच्चा विनय मोहन क्वात्रा देखिए नेपाल हमारा पड़ोसी देश है हमारे उत्तर में स्थित है सत्रह किलोमीटर की हमारी सीमा लगती है सत्रह अड़सठ में नेपाल की स्थापना हुई थी नेपाल छोटे छोटे जो रियासतों में बटा हुआ था पृथ्वी नारायण शाह किसने साथी किंग पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल का एकीकरण किया और नेपाल की स्थापना की फिर मार्च अठारह सो सोलह तब मार्च 1816 सो सुगोली की संधि सुगोली की संधि इसके तहत अंग्रेज और नेपाल का प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद में यह सुगोली की संधि होती है उत्तराखंड आदि इलाके ये अंग्रेजों के पास आ जाते हैं उसके बाद में साथी 2008 में 2008 में गणराज्य बनता है यहां पहले राजा हुआ करता था राजा को हटाकर गणराज्य बनता है और 2015 में यहां का संविधान लागू होता है तो हजार पंद्रह में यहां का संविधान लागू हो जाता है तो याद रखिएगा संस्थापक किन को कहा जाएगा नारायण शाह सुगोली की संधि 2008 रिपब्लिक 2015 संविधान लागू यहां की संसद को संघीय संसद कहा जाता है यहां की संसद को क्या कहा जाता है संघीय संसद यह यहां की संसद को कहा जाता है अच्छे से आप लोग याद रखिएगा एक होती है राष्ट्रीय सभा एक सदन यहां का राष्ट्रीय सभा होती है नेशनल असेंबली इसमें उनसठ सीट हो जाती है कितनी सीट उनसठ सीट और दूसरी होती है प्रतिनिधि सभा हमारे लोकसभा जैसी निम्न सदन इसमें दो सीट होती है कितनी सीट होती है साथी दो सीट नेपाल की संसद द्विसदनीय है इसको संघीय संसद कहा जाता है नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है संघीय संसद कहा जाता है राष्ट्रीय सभा उनसठ सीट प्रतिनिधि सभा यहां पर दो सीट हो जाती है जो पोखरा वैली और काठमांडू वैली पोखरा घाटी और काठमांडू की घाटी ये यहां पर बहुत ही फेमस हिमालय के द्वारा बनाई गई घाटियां हैं और हिमालय की जो रेंज यहां पर है मिडिल हिमालय की एक यहां पर पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसको महाभारत रेंज बोलते हैं तो पूछे कि महाभारत रेंज कहां पर है तो आप क्या उत्तर दोगे नेपाल ने जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है कि महाभारत रेंज कहां पर नेपाल की रेंज है राष्ट्रीय सभा की सीट, सभा सौ पिछहत्तर संस्थापक पृथ्वी नारायण साल सोलह सुगोली की गणराज्य और 2015 में संविधान लागू डोरा सुरुवाल यह पुरुषों की पोशाक है और गुन्यो चोलो ये यहां की गन्यो चोलो ये महिलाओं की पोशाक है मोनाल पक्षी और गाय यहां का हो जाती है पशु रोड इनड्रोन ये फूल राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल इस पर गौर कीजिएगा कि राष्ट्रीय खेल क्या है वॉलीबॉल छह खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है साथी वॉलीबॉल गन्नो चोलो महिलाएं पहनती है और साथी डोरू शुरूवाल डोरू शुरूवाल यहां पर पुरुष पहनते हैं डोरो कौन पहनते पुरुष पहनते चले बच्चा आगे आते अभी अहमद किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने है? अभी अहमद 2019 में नोबल शांति पुरस्कार विजेता ये इथोपिया की दूसरी बार वो बने हैं इथोपिया के दूसरी बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं एस्तोनिया नाम का देश है बाल्टिक कंट्री जिसकी राजधानी टल्लिन हो जाती है म्यांमार की राजधानी ने पी तो हो जाती है कोसोवे की राजधानी प्रिस्टीन हो जाती है कोसोवो यह सर्बिया से आजाद हुआ है सर्बिया से आजादी की घोषणा की है और लगभग अठानवे मान्यता देते हैं यूनाइटेड नेशंस के अठानवे देश इसको मान्यता देते हैं है कोसोवो को यह यूरोपियन कंट्री है तो याद रखिएगा अभी अहमद ये साथी इथोपिया के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं अभी अहमद ये मैंने बाकी तीनों देशों की राजधानी भी लिख दी तो इथोपिया ये अफ्रीका का एक देश है यहां पर इथोपिया पर ही ग्रैंड रेनेसेंस बांध ग्रैंड रेनेसेंस बांध बनाया जा रहा है नील की सहायक नदी ब्लू नील पर कौन सी नील पर साथी ब्लू नील पर ये चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ देश है इथोपिया जो है ये भू अवरुद्ध देश है लैंड लॉक्ड कंट्री है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका का सिंग जो चार देश है उनमें से इथोपिया भी एक देश माना जाता है अभी अहमद अप्रैल 2018 से चौथे प्रधानमंत्री नोबल शांति पुरस्कार विजेता है 2019 में इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी क्या हो जाती है आदिस अबाबा यहां की मुद्रा बिर यहां की मुद्रा क्या हो जाती है बिर यहां की मुद्रा हो जाती है और सहले वर्क जेबड़े अरे जेबड़ा और सारे यहीं आएंगे राष्ट्रपति जेबडे साहब राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री अभी अहमद इथोपिया राजधानी आदिशा बाबा मुद्रा इथोपियन बिर मैप में देखते हैं कि इथोपिया कहां पर है? देखो ध्यान से देखने पर यह वाला हिस्सा जाना यह वाला हिस्सा ये जो एक हिस्सा है यह वाला हिस्सा ये सिंह सा निकला हुआ है ना सिंग यह सिंह सा निकला हुआ है इसी सींग निकले के कारण इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका हॉर्न ऑफ अफ्रीका चार देश आते हैं यह बाब अलमंडब की जल संधि हो जाती है अदन की खाड़ी लाल सागर थोड़ी देर पहले बताया था इसमें एक देश होता है इरिटेरिया कौन सा देश है इरिटेरिया इरिटेरिया इथोपिया के बीच में विवाद शांत हुआ था जिसके लिए इथोपिया के प्रधानमंत्री को नोबल अवार्ड मिला था शांति का राजधानी हो जाती है असमारा क्या हो जाती है असमारा ये इथोपिया तो इथोपिया की तो अभी आपने पढ़ी आदिस अबाबा ये सोमालिया समुद्री डकैत डुके, बहुत होते हैं यहां पर मोगा दिशु इसकी राजधानी क्या हो जाती है मोगा दिशु और यहां बिल्कुल बाबल मंडप की जल संधि पर एक छोटा सा देश है जिसको जिबूती बोलते हैं इसकी राजधानी भी जिबूती है इसकी राजधानी भी क्या है जिबूती जब यमन में सिविल वॉर चली थी तो भारतीयों को जो यमन से निकाला गया था वो जिबूती ही ले लेकर आया गया था तो जिबूती किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां तक आपको किसी को किसी प्रकार की दिक्कत पूरी क्लास लेकर जाना एक भी बच्चा घटना मत बस तुम अपने कॉपी और अपनी किताब अपनी कलम और इस विवेक पर भरोसा रखना दुनिया के थॉट विचार बदल दिए अपने बारे में मैं गारंटी चैलेंज देके कहता हूं ये कंटेंट कहीं नहीं मिल सकता पूरी यूट्यूब को चैलेंज मगर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा तुम्हें रुकना पड़ेगा तुम्हें रुकना पड़ेगा चले बच्चा आगे आ जाते हैं भारत का पहला निजी तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र अर्थात एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक तो होती है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे नेचुरल गैस को कंप्रेस करके एक जैसे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसी तरह एलएनजी तो एल के पहले पेट्रोल पंप कह सकते हो आप इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है तो याद रखिएगा साथी इसका उद्घाटन नागपुर में किया गया है भारत के पहले निजी नागपुर है ना भारत के पहले निजी तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन नागपुर शहर में किया गया है और किसके द्वारा नितिन गडकरी जी के द्वारा किसके द्वारा साथी नितिन गडकरी जी के द्वारा किसके द्वारा किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा निजी तरल प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है नागपुर नितिन गडकरी जी का संसद क्षेत्र भी है नाग नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम नागपुर पड़ा है नागपुर चलिए एल एनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस बैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप जो बैद्यनाथ आयुर्वेदिक दवाई नहीं बनाती है कंपनी बैद्यनाथ उसी के द्वारा ये प्लांट यह एल एन जी पेट्रोल पंप लगाया गया है लिक्विफाइड नेचुरल गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस अब दो तीन चीजें यहां पर लिखते हैं सबसे पहले देखिए कि एलपीजी में बताइए सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं और जो है, एल गैस है प्राकृतिक गैस ये तो पेट्रोलियम से निकलती है एलपीजी और प्राकृतिक गैस प्राकृतिक रूप से पाई जाती है प्राकृतिक गैस कैसे पाई जाती है तो आप कहोगे भैया ये प्राकृतिक रूप से ही पाई जाती है कैसे पाई जाती है प्राकृतिक रूप से ही पाई जाती है बताइए देखो एलपीजी में होती है ब्यूटेन, क्या होती है ब्यूटेन 50% परसेंट ब्यूटेन होती है सी फोर एच टेन लगभग और 48% परसेंट इसमें प्रोपेन होती है सी थ्री एच एट करके जिसे प्रोपेन कहते हैं 48% परसेंट समझे मेरी बात ब्यूटेन 50% परसेंट प्रोपेन 48% परसेंट एल में 75 से जो नेचुरल गैस होती है पिछहत्तर से पिचासी परसेंट इसमें मीथेन होती है जिसे मार्श गैस भी कहा जाता है यह गोबर गैस में भी सबसे ज्यादा पाई जाती है मार्श गैस चावल के खेतों से मीथेन गैस जब भी कोई पेड़ पौधा ऑक्सीजन की कमी से सड़ने लगता है मीथेन निकलती है तो प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है मीथेन उत्पादन में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अमेरिका सबसे ऊपर है प्राकृतिक गैस के उत्पादन में जबकि साथ ही इसके रिजर्व के मामले में रूस सबसे ऊपर है रिजर्व सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस के कहां पर है रूस में और उत्पादन कौन में यूएसए तो मीथेन 75 से पिछासी परसेंट होती है प्राकृतिक गैस में जबकि एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती है ब्यूटेन और प्रोपेन ब्यूटेन पचास प्रोपेन अड़तालीस एलएनजी में पिछहत्तर से पिचासी परसेंट ही होती है पिछहत्तर से पिछासी परसेंट मीथेन उसके बाद में इथेन चलिए इसमें एक और चीज लिख लीजिए कि वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री कौन है वर्तमान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है और नितिन गडकरी जी से एम एस e मंत्रालय का चार्ज ले लिया गया है एमएसएमई e मंत्रालय का चार्ज नितिन गडकरी अब सिर्फ यह सड़क परिवहन रोड ट्रांसपोर्ट व राजमार्ग मंत्री हैं। रोड ट्रांसपोर्ट व राजमार्ग मंत्री हैं। कौन सा थी नितिन गडकरी 2024 तक साल 2024 तक साठ हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे का लक्ष्य है किसका लक्ष्य है नेशनल हाईवे का लक्ष्य है, है साथ ही नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य साठ हजार किलोमीटर के 2024 तक साथ में ये जो खादी प्राकृतिक पेंट के खादी प्राकृतिक पेंट के खादी प्राकृतिक पेंट के ये साथी ब्रांड अंबेसडर भी है ब्रांड अंबेसडर समझे मेरी बात खादी प्राकृतिक पेंट के और एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम इंडियन बैंक का जो है उसे नागपुर से शुरुआत इन्होंने किया था नागपुर से शुरुआत तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन हो जाते हैं पहले धर्मेंद्र प्रधान थे अब हरदीप एस पुरी है कौन है साथी हरदीप एस पुरी पहले एमएसएमई मंत्री भी कौन थे नितिन गडकरी लेकिन अब सात जुलाई से एमएसएमई मंत्री नारायण राणे हो जाते हैं कौन हो जाते हैं साथी नारायण राणे मंत्री कौन नारायण राणे भाई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है हरदीप एस पुरी नितिन गडकरी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री 2024 तक 60,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य है और खादी प्राकृतिक पेंट के ये ब्रांड अम्बेस्डर भी है खादी प्राकृतिक पेंट के नितिन गडकरी जी ब्रांड अम्बेस्डर भी हो जाते हैं यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत चलिए आगे आ जाते हैं लेबरू हाथी अभ्यारण्य इसका एरिया छत्तीसगढ़ सरकार छोटा करने वाली है यह जिला किस लेमरू हाथी अभ्यारण्य यह किस राज्य में स्थित है तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ लेमरू हाथी अभ्यारण्य यह छत्तीसगढ़ में स्थित है लेमरू हाथी अभ्यारण्य यह बच्चा कहां पर स्थित है तो आप कहोगे ये छत्तीसगढ़ में स्थित है कहां पर स्थित है छत्तीसगढ़ भूपेश सिंह बघेल भूपेश सिंह बघेल ये क्या हो जाते साथी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो जाते राजधानी हो जाती है रायपुर जिसे इसकी नई बनाई जा रही है नया रायपुर भी आप इसे कह सकते हो बिल्कुल सही बिल्कुल सही तो छत्तीसगढ़ में स्थित कहां पर स्थित है लेमरू हाथी क्यों ये चर्चा में है साथी 1995 वर्ग किलोमीटर का ये लेमरू हाथी रिजर्व था जिसे घटाकर साढ़े चार सौ वर्ग किलोमीटर करने का प्रस्ताव है मतलब जहां एक तरफ जो जंगली जानवर है आदमी के साथ उनके संघर्ष की रोज कोई ना कोई खबर आती है कि वो जंगल छोटे होते जा रहे हैं तो जहां पर बसावट है जहां पर लोग बसे हुए हैं उन पर वो हमला करते हैं और दूसरी तरफ सरकारें उनके क्षेत्र को भी कम करती जा रही हैं याद रखिएगा हाथी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से लॉन्च किया गया था पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा किसके द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा 50 तालियों का इनाम जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम बताएं कि वर्तमान में भारत का एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है पहले तो प्रकाश जावड़ेकर थे लेकिन इनसे यह चार्ज ले लिया गया प्रकाश जावड़ेकर थे लेकिन इनसे यह चार्ज ले लिया गया अब वर्तमान पर्यावरण और वर वन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं कौन यादव है साथी भूपेंद्र यादव याद रखिएगा पर्यावरण और वन मंत्री वर्तमान में भूपेंद्र यादव है तो उन्नीस में प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत का पहला हाथी जिम राजा जी टाइगर रिजर्व में खोला गया उत्तराखंड हाथियों का जिम राजा जी टाइगर रिजर्व पहला हाथी का अस्पताल उत्तर प्रदेश के मथुरा हाथी के लिए पुनर्वास केंद्र केरल के कोट्टूर में वर्ल्ड एलिफेंट डे बारह अगस्त को मनाया जाता है केरल कर्नाटक और झारखंड केरल कर्नाटक और झारखंड ये तीन ऐसे राज्य हैं जिनका राजकीय पशु हाथी है जिनका स्टेट एनिमल क्या हो जाता है साथी राजकीय पशु हाथी है किसका केरल कर्नाटक और झारखंड का छत्तीसगढ़ की बात करें तो हाईकोर्ट हो जाता है बिलासपुर हाईकोर्ट कहां पर हो जाता है बिलासपुर राज्यपाल अनुसुईया प्रधान सीएम हो जाते भूपेश बघेल सीएम क्या हो जाते हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हो जाते हैं बिल्कुल सही यहां पर विधानसभा की नब्बे सीट हो जाती है लोकसभा की ग्यारह और राज्यसभा की पांच सीट लोकसभा की ग्यारह और छत्तीसगढ़ राज्यसभा की हो जाती है साथ ही पांच सीट तो लेमरू हाथी अभ्यारण्य जो है यह कहां पर पड़ जाता है ये कहां पर पड़ जाता है साथी? ये छत्तीसगढ़ में पड़ जाता है अगला विंबलडन 2021 बॉयज़ सिंगल्स। एक तो होता है मेंस सिंगल्स, तो मेंस सिंगल्स। सिंगल्स तो तो टाइटल मेटियो मेटियो नाम के व्यक्ति को हराकर नोवाक जोकोविच ने जीता था बात बॉयज सिंगल्स की आती है 100 परसेंट वाला क्वेश्चन है कि विंबलडन दो बॉयज सिंगल्स टाइटल यह समीर बनर्जी ने जीता किसने जीता समीर बनर्जी जो कि भारत के भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं इनकी नागरिकता कहां की है अमेरिका की समीर बनर्जी विंबलडन बॉयज सिंगल्स टाइटल विंबलडन बॉयज सिंगल्स टाइटल विंबलडन बॉयज सिंगल्स टाइटल सत्रह वर्ष के हैं रामाथन कृष्णन उन्नीस में ये पहले इंडियन थे जिन्होंने जूनियर विंबलडन चैंपियनशिप जीती थी और अब समीर बनर्जी बाकी बात करें दो हजार इक्कीस मेन्स सिंगल्स नोवाक जोकोविच सर्बिया के और वोमेन सिंगल एशले बाटी ऑस्ट्रेलिया की वोमेन सिंगल्स एशले बाटी ऑस्ट्रेलिया की इसी को जीतते हुए नोवाक जोकोविच के बीस ग्रैंड स्लैम हो गए कितने ग्रैंड स्लैम बीस तो समीर बनर्जी इंडियन अमेरिकन है सत्रह वर्षीय है इन्होंने ये बॉयज वाला खिताब जीता है चलिए आगे आ जाते हैं बीसीसीआई ने कि महामारी के बीच में खिलाड़ियों का पैकेज कैसा हो घरेलू क्रिकेट के आदि के लिए इन सब के लिए एक पैनल का गठन किया है क्या किया है एक इन्होंने टास्क फोर्स का गठन किया है वर्किंग ग्रुप का गठन किया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट घरेलू क्रिकेट को सवारने के लिए जो खिलाड़ियों का पैकेज आदि हो उस पर चर्चा करने के लिए इसमें कुल कितने सदस्य हैं सात सदस्य हैं इसमें कुल कितने सदस्य हैं सात सदस्य हैं जो बीसीसीआई ने इस पैनल का गठन किया है इसका उद्देश्य घरेलू क्रिकेट से संबंधित है इसका उद्देश्य क्या है घरेलू क्रिकेट सात इसके सदस्य हैं बीसीसीआई ने गठन किया है जिसमें मोहम्मद अजरुद्दीन संतोष मेनन अभिषेक डालमिया देवजीत साइका जयदेव सहा रोहन जेटली युद्धवीर सिंह बीसीसीआई दिसंबर उन्नीस सौ अट्ठाईस हेडक्वार्टर मुंबई सौरभ गांगुली उनतालीसवें इसके हो जाते हैं अध्यक्ष जय शाह सेक्रेटरी जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर कोलंबो है उसके अध्यक्ष भी है जिसके जिसका कोलंबो है उसका उसके अध्यक्ष भी जय शाह है तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई दिसंबर उन्नीस मुंबई जय शाह सचिव और प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली टीका वाली नाव किस जिले के बाढ़ क्षेत्रों में कोविड नाइनटीन टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए टीका वाली नाम से टीका वाली नाव से संबंधित एक पहल आयोजित की गई इसमें क्या है कि ये जो बिहार का मुजफ्फरपुर जिला है बिहार का मुजफ्फरपुर जिला है यह वर्तमान में बाढ़ की चपेट में है किसकी चपेट में बाढ़ की चपेट में तो यहां टीके पर कोई दिक्कत ना आई कोविड के टीकाकरण को कोई समस्या ना हो उसके लिए टीका वाली नाव चलाई गई जो टीकाकरण करने वाली टीम है इस नाव के द्वारा जहां पर लोगों ने शरण ली हुई है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर टीकाकरण कर रहे हैं तो टीका वाली नाव मुजफ्फरपुर बिहार टीका वाली नाव मुजफ्फरपुर बिहार बिहार के चंपारण में केसरिया बुद्ध स्तूप है कहा जाता है कि यह वर्ल्ड का सबसे ऊंचा और लार्जेस्ट बुद्ध स्तूप है तो अभी ये जलमग्न हो गया है जलमग्न मतलब चारों ओर इसके बाढ़ का पानी भर गया है कौन सा बुद्ध स्तूप केसरिया बुद्ध स्तूप कहां पर है बिहार के चंपारण में केसरिया बुद्ध स्तूप गंडक नदी में बाढ़ आ जाने के कारण यह डूब गया है तो आपसे अक्सर पूछ सकता है जैसे केसरिया कहां पर है बिहार इसी तरह सांची और भरूत कहां पर है सांची का स्तूप ये एमपी में हो जाते हैं ये कहां पर हो जाते में हो जाते चलिए, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा उड़ीसा 12 जुलाई से 19 जुलाई सात दिन का उत्सव होता है जिसमें जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा और मौसी मंदिर होते हुए भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा वापस सात दिनों बाद आने जाने के दो दिन और नौ दिन बाद वापस अपने जगन्नाथ मंदिर में लौटते हैं वापस अपने जगन्नाथ मंदिर में लौटते हैं इसको घोष यात्रा भी कहा जाता है याद रखिएगा साथी जो जगन्नाथ यात्रा है इसको घोष यात्रा भी कहा जाता है अच्छे से याद रखिएगा इसे साथी घोष यात्रा भी कहा जाता है घोष एक बार पेपर में आ चुका है इसे घोष यात्रा भी कहा जाता है ओडिशा जगन्नाथ मंदिर पुरी भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा इन तीनों की मूर्तियों को मंदिर रथ की शक्ल में रूप देकर इनको जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा वहां से मौसीमा मंदिर होते हुए 19 जुलाई को ये यात्रा वापस लौटेगी तो घोष यात्रा और लौटने वाले को बहुदा यात्रा जाने को घोष यात्रा और आने को बहुदा यात्रा ये उड़ीसा के पुरी में होती है उड़ीसा के पुरी जहां पर कोणार्क सूर्य मंदिर भी है उड़ीसा के पुरी में सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु है हैं कहते कि इस जगह पर इकट्ठे होते पूरे वर्ल्ड में आगे चाहते आसाड़ी बीज जो गुजरात का कच्छ है क्या है गुजरात का कच्छ तो गुजरात के कच्छ में जो नव वर्ष है उसे आसाड़ी बीज कहते हैं जो नव वर्ष है साथी उसे क्या कहा जाता है आषाढ़ी बीज कहा जाता है नव वर्ष को आषाढ़ी बीज कहा जाता है अब मैं आपके सामने भारत के कुछ क्षेत्र लिख रहा हूं और उनके नववर्ष आपको बताना है केरल की न्यू ईयर को क्या कहते हैं तमिलनाडु के नववर्ष को क्या कहते हैं तमिलनाडु के नववर्ष को क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश के नववर्ष को क्या कहते हैं महाराष्ट्र के नववर्ष को क्या कहते हैं महाराष्ट्र के नववर्ष को क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल के नववर्ष को क्या कहते हैं आपको इनके आगे न्यू ईयर में इनका नाम क्या होता है बस आपको यह बताना है न्यू ईयर नाम क्या होता है त्रिपुरा असम उड़ीसा सिक्किम त्रिपुरा असम असम उड़ीसा उड़ीसा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश सिक्किम अरुणाचल प्रदेश ये राज्य हैं भारत के और वहां पर आपको बताना है कि नव वर्ष को क्या कहा जाता है नव वर्ष को क्या कहा जाता है नव वर्ष को क्या कहा जाता है देखते हैं कौन कौन इसमें बता पाता है और कश्मीर कश्मीर देखिए केरल का हो जाता है विशु तमिलनाडु का वर्ष हो जाता है पुथांडु आंध्र का हो जाता है उगादी महाराष्ट्र का हो जाता है गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का क्या हो जाता है गुड़ी पड़वा पश्चिम बंगाल का पहला बैसाख या पोइला बैसाख भी बोल देते हैं पहला बैसाख या पोइला बैसाख क्या हो जाता है पश्चिम बंगाल का क्या हो जाता है साथी पोइला बैसाख हो जाता है क्या हो जाता है पोइला बैसाख त्रिपुरा का बी यू आई एस यू असम का बीवी स्वागू और बोहाग हो बोहाग बिहु ये दोनों उड़ीसा का संक्रांति उड़ीसा की संक्रांति, अरुणाचल का लोसार कश्मीर का नवरेह कश्मीर के नववर्ष को नवरेह कहते हैं और सिक्किम का हो जाता है लुसुंग सिक्किम का क्या हो जाता है लुसुंग। ये भारत के अलग अलग राज्यों में जो नववर्ष आता है उसके नाम है अक्सर ये साथी आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाता है लुसुंग नामसुंग लुसुंग और नामसुंग ये अलग अलग जनजाति अलग-अलग नाम से मनाती है तो केरल विशु तमिलनाडु पुथांडू आंध्र उगादी महाराष्ट्र गुड़ी पड़वा पश्चिम बंगाल पोइला बैसाख तिरपरा बिशु असम विश्वागु, बहार भी हो उड़ीसा पणसंक्रांति सिक्किम लुसुंग और नामसुंग, अरुणाचल प्रदेश लोसार कश्मीर नवरे चलिए साथी आगे जाते मातृ कवचम जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मातृ कवचम योजना ये केरल सरकार मनाएगी केरल सरकार लेकर आ रही है मातृ कवचम मातृ मतलब मत, माता और कवच मतलब उसकी सुरक्षा वीणा जॉर्ज केरल की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने घोषणा की है केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीणा जॉर्ज ने घोषणा की है कि गर्भवती महिलाओं को कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए मातृ कवचम योजना कौन सी योजना साथी मातृ कवचम योजना मातृ कवचम योजना समझ रहे मेरी बात चले बच्चा आगे आ जाते हैं श्याम श्रीनिवासन भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक के सीईओ के रूप में तीन साल के लिए उनको पुनर्नियुक्त कर दिया गया है फेडरल बैंक की बात करें 1931 में त्रावण कोर फेडरल बैंक के नाम से इसकी स्थापना होती है उन्नीस दिसंबर में इसका नाम बदलकर फेडरल बैंक इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर का बैंक है इसका कोची केरल के कोची में इसका हेडक्वार्टर है केरल के कोची में क्या है हेडक्वार्टर और श्याम श्री निवासन तीन साल के लिए एक बार फिर से इसके एमडी सीओ बने हैं श्याम श्री निवासन तीन साल के लिए और इसके एमडी सीईओ बने हैं फेडरल बैंक श्याम श्री निवासन स्थापना उन्नीस कोची के अलावू में इसका हेडक्वार्टर है कहां पर है लूबा नाम की जगह है कोची केरल वहां पर इसका हेडक्वार्टर है फेडरल बैंक उन्नीस फेडरल बैंक के नाम से इसकी स्थापना हुई थी और उन्नीस से इसको सिर्फ फेडरल बैंक कहा जाता है एमडी सीईओ मलाला दिवस 12 जुलाई इनकी किताब भी आई थी आई एम मलाला और एक दो साल पहले इनकी किताब आई थी वी आर डिस्प्लेस्ड वी आर डिस्प्लेस्ड कौन सी किताब वी आर डिस्प्लेस्ड यह भी मलाला की किताब है सबसे कम उम्र में नोबल शांति पुरस्कार विजेता 2014 कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के साथ मलाला यूसुफ जई मलाला यूसुफ जई 12 जुलाई नेशनल हैकाथन सेंसिंग सॉल्यूशंस फॉर भारत संवेदन 2021 सेंसिंग सॉल्यूशन फॉर भारत ईआईटी मद्रास और सोनी इंडिया इन्होंने मिलकर हैकाथन का अर्थ होता है साथी कि अलग अलग प्रॉब्लम्स दी जाती हैं शामिल होने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आदि को और टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें प्रॉब्लम्स का समाधान प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना होता है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना होता है तो नाम क्या है संवेदन दो इसकी थीम क्या है सेंसिंग सोल्यूशन फॉर भारत सेंसिंग सोल्यूशन फॉर भारत ये आईआईटी मद्रास और सोनी कंपनी जो है उसकी इंडियन ब्रांच ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अमृत महोत्सव आजादी का अमृत महोत्सव पचहत्तर वर्ष पूरे होने पर जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इसको लेकर एक वेबिनार का आयोजन किया है पीआईबी चंडीगढ़ और रीजनल आउटरीच ब्यूरो ने किसके तहत प्रसारण मंत्रालय याद रखिएगा अनुराग ठाकुर के पास है जो अभी प्रसारण मंत्री बने हैं वो अनुराग ठाकुर ये प्रसारण मंत्री भी है सूचना और प्रसारण साथ साथ में खेल युवा मामलों के मंत्री भी है खेल युवा युवा मामलों मामलों के के मंत्री मंत्री खेल जबकि पहले जिनके पास खेल और युवा मामलों का मंत्रालय था किरण रिजिजू जु, ये साथी कानून एवं न्याय मंत्री बने है। कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद को रिप्लेस करके जबकि अनुराग ठाकुर यह खेल युवा मामले सूचना और प्रसारण मंत्री खेल युवा मामले सूचना और प्रसारण मंत्री चलिए साथियों तो ये आपके अभी के करंट अफेयर थे अभी जिसने अभी मेन्यू बैच नहीं लिया पैट का अब सभी लोग तुरंत लीजिए अभी मैं साढ़े सात बजे हिस्ट्री की क्लास शुरू करूंगा समझे मेरी बात चलिए अब कुछ आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं यह अपना टेलीग्राम ग्रुप है द गोल्डन आर्मी करंट अफेयर जो आज मैं पढ़ाया हूं पूरा एक एक लाइन का एक एक चीज एक एक अक्षर अगर मैं कुछ भी मुंह से निकला है सबको क्वेश्चन के रूप में इस पर रोजाना प्रैक्टिस की जाती है और रात को दस बजे साइंस आदि के कंप्यूटर और करंट अफेयर के मिक्स क्वेश्चन संजीव सर कराते हैं सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप डाउनलोड करके बच्चा मेरे सभी के सभी साथी ये अपने जो इसका पी आदि आपको मिल जाता है और अभी मैं बैच आप सभी लोग बहुत ही सस्ता उतना नहीं है पांच सौ रुपए के करीब का पड़ता है आप सभी लोग ले लीजिए रैंक टू वन ये इसका कोड है इसको जरूर अभी आप लोगों को कुछ और यहां पे मैं क्वेश्चन दे देता हूं जैसे नाफेड की स्थापना कब हुई बताइए इफको की स्थापना कब हुई ये बताइए आपको सार्क की स्थापना कब हुई ये बताइए एपिडा की स्थापना कब हुई ये बताइए एपीडा की स्थापना कब हुई फेडरल बैंक ये बहुत सारी हमने अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं पढ़ी है फेडरल बैंक आदि ये सब आपको बताना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं उनकी राजधानी बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश और आपको साथ ही मेरे उनकी राजधानी आदि भी बतानी है बच्चा मेरे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश और उनकी राजधानी आदि भी आपको बतानी है जी ट्वेंटी के सदस्य देश उनकी राजधानी आदि आपको बतानी है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल उसके अलावा साथ ही अपना और कौन सा कराया मैंने आप लोगों को महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल अपना पड़ोसी देश नेपाल इन सब के बारे में आपको पूरी सूचना लेनी है आंध्र प्रदेश इनके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो कमेंट्स करके आपको सबको बताना है आप लोग सभी एक बार शेयर जरूर किया कीजिए उससे चीज़ें बच्चा हमें भी मोटिवेशन मिलता है अपने सभी साथियों को इस वीडियो का लिंक टेलीग्राम या चलाते व्हाट्सएप या फेसबुक जो भी आप चलाते हो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय राजधानी मुद्रा व्यक्ति मृत्यु जीवन सब कुछ इस क्लास में कवर होता है मैं पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस एलपीजी वगैरह ये डीएनए आदि टाइम टू टाइम कराता रहता हूं तो चलिए बच्चे आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगा क्लास आप सभी को कैसी लगी जिन लोगों के पास अभी अभिमन्यू है वो साढ़े सात बजे अपने इतिहास के क्लास में एप्लीकेशन पर पहुंचे आज हम लोग उन्नीस बंगाल विभाजन से लेकर आजादी लेकर आएंगे 1947 तक और जिनके पास नहीं है वो तुरंत अभी बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए रैंक टू वन कोड लगाकर बाकी सभी लोग सभी लोग अभी डाउनलोड कर लीजिए ठीक है बच्चा थैंक यू धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर इस बार यूपी में चुनाव के कारण बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है जिसके लिए इस साल 20 अगस्त को होने वाली यूपी ट्रिपल सी पीटी की परीक्षा आपको पास करनी होगी इस परीक्षा में लगभग बीस लाख तिहत्तर हजार फॉर्म भरे गए हैं तो आपके और आपकी सरकारी नौकरी के बीच के पहले पड़ाव पीटी में नैया पार करवाने के लिए एग्जामपुर भारत की सबसे दुरंधर टीम के साथ आपके लिए लेकर आया है टारगेट पैंतालीस दिन जिसमें न सिर्फ आपको मिलेंगे बल्कि गुरु की गाइड जिसका मूल्य दो सौ है वह इस कोर्स के साथ आपको बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी अभी जाएं प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करें एग्जाम प्रोफेशनल ऐप और ज्वाइन करें अभिमन्यू बैच